नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे IUPSC नामकरण, मतलब कि कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। और दोस्तों बता दें कि उसमें हम लोग अलग अलग यौगिकों का IUPSC नाम करना सीख लिए हैं। आज की कड़ी में दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एमीन, एमाइड, एसिड हैलाइड तथा हेलो यौगिकों के उदाहरण और IUPSC नाम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग किसको शुरू करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे एमीन को, और ये सबसे ज्यादा बवाल पैदा करता है दोस्तों, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एमीन को समझते हैं, क्या है एमीन और किस तरह से इसका क्रियात्मक समूह बनता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एमीन किसे कहते हैं। आप इससे पहले पढ़े होंगे कक्षा 10 में अमोनिया पढ़े होंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, अमोनिया जिसको हैबर नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, और इसको बनाने में एक उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है जो आपसे बहुत पूछा जाता है, आयरन पूछा जाता है। किस तरह का उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक धनात्मक होता है वो, ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक। और इसको बनाने में एक वर्धक प्रयोग होता है, उसका नाम क्या है, मॉलिब्डेनम या मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए, अगर इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचेगा दोस्तों, NH2 बचेगा। तीन हाइड्रोजन था, एक निकल गया तो क्या बच गया, NH2। और यही NH2 अगर कहीं जुड़ गया कार्बन परमाणु की लंबी चेन से, तब वह क्या हो जाता है, एमीन हो जाता है दोस्तों। अब देखिए, अगर एक हाइड्रोजन निकला तो NH2 बन जाएगा, दो हाइड्रोजन निकला तो केवल NH बचेगा। ठीक है, ये भी एमीन है। अगर तीनों हाइड्रोजन निकल गए तब ये केवल N बचेगा, ये भी एमीन है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर एक हाइड्रोजन निकला और उसके जगह पे कार्बन जुड़ गया तो ये प्राथमिक एमीन हो जाती है। अगर अमोनिया में से दो हाइड्रोजन निकला तो एक बचेगा, एक दिखा रहा हूं आपको, यहां पे लिख दिया गया है, एक आपको दिख रहा है। अगर यहां पे दो हाइड्रोजन निकला और दोनों की जगह कार्बन जुड़ गया तब ये द्वितीयक एमीन हो जाती है। और यहां से अगर अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन निकला और तीनों की जगह कार्बन जुड़ा तब ये तृतीयक एमीन हो जाती है। ये ध्यान दीजिएगा आप, जब आपसे एमीन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो घुमा फिरा के इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इनको खत्म कर देते हैं। अब देखिए, ये एमीन आ गया, एमीन मतलब ये क्रियात्मक समूह कौन हो गया, NH2। और ध्यान दीजिएगा कि जब ये कार्बन परमाणु की लंबी चेन से जुड़ता है ना, तब इसका पुरोलग्न भी लगा सकते हैं और अनुलग्न भी लगा सकते हैं। पुरोलग्न कब लगाएंगे, जब इनके साथ कोई और क्रियात्मक समूह रहेगा तब। अगर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, केवल NH2 है कार्बन परमाणु की लंबी चेन से, तब उनका IUPAC नाम लिखते समय अंत में एमीन जोड़ते हैं। इनका पुरोलग्न अगर लिखना पड़ेगा तो क्या होता है, अमीनो। पुरोलग्न अमीनो और अनुलग्न क्या होता है, एमीन। तो चलिए शुरू करते हैं इनको। देखिए सबसे पहले ये एक कार्बन से जुड़ जाएगा, एक कार्बन से ऐसे जुड़ सकता है ये एमीन। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए मेथेनामीन। कितने कार्बन यहाँ पे, एक। कितना हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तीन। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह केवल बिंदु लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, NH2। चाहे ये हो दोनों में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया तो मेथ, एक एक बंद है तो एन मेथेन, और ये NH2 है इसलिए अंत में क्या लगाएंगे, एमीन। मेथेन एमीन, मेथेन प्लस एमीन, ये हो गया मेथेनामीन। ठीक है दोस्तों, अगर इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे मेथेनामीन। ठीक है, ये एमीन हो गया, ये मेथेन हो गया, ठीक है, मेथेनामीन। मेथेन में से ई हटाया, एमीन जोड़ दिया, मेथेनामीन हो गया। अब दोस्तों क्या होता है, देखिए डायरेक्ट ले लेते हैं थोड़ी से बड़ा, एक दो तीन चार, और यहां पे जोड़ देते हैं एमीन। ठीक है, चलिए इसका क्या नाम होगा, तो देखिए यहां पर ये तीन हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां पर दो हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां पर तीन हाइड्रोजन हो जाएगा। दोस्तों पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं। ठीक है, और देखिए अब ये इस तरह से आ गया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अब इसका IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन परमाणुओं की खुजाई, और दूसरे नंबर पर क्रियात्मक समूहों की दिखाई, और तीसरे नंबर पर होती है कार्बन परमाणुओं की गिनाई, और चौथे नंबर पर होता है नाम की लिखाई। नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे, कार्बन परमाणु का नाम। अगर अनुलग्न लगाना है तो कार्बन परमाणु के पीछे लगाते हैं, पुरोलग्न लगाना है तो कार्बन परमाणु के नाम के पहले लगाते हैं। ठीक है, यही सिस्टम है हमारा IUPAC का, इसी तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। चलिए यहाँ पर वो पूरा फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कार्बन परमाणु की लंबी चेन खोजेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार कार्बन आ रहा है। अब ये देखना है कि ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह किधर से जल्दी मिल रहा है, इधर से एक दो दूसरे पे मिल रहा है, एक दो तीन इधर से तीसरे पे मिल रहा है, तो किधर से सही है, इधर से एक दो तीन चार। अब चार कार्बन है तो क्या लिख देंगे, ब्यूट, और एक एक बंद है तो एन ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। अब इसके लिए अंत में क्या लगाएंगे, एमीन, क्या लगा देंगे, एमीन। और ये एमीन कितने कार्बन नंबर से जुड़ा है, कितने कार्बन नंबर से जुड़ा है, दो से, तो दो आगे लिख देंगे, हो गया ब्यूटेन टू एमीन। कभी कभी क्या करते हैं, इस टू को आगे आप देख लेंगे या लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू ब्यूटेनामीन, इकट्ठा जोड़ दीजिए, हो जाएगा टू ब्यूटेनामीन।
क्या लोग भौकाल में क्या बताते हैं कि ब्यूटेन में से ई हटाओ और एमीन का ए सटाओ, तो इस ई को हटा के हम लोग क्या सटा देते हैं, ब्यूटेन एमीन, ई को हटा के क्या सटा दिए, ए, ठीक है, तो हो गया ब्यूटेनामीन, टू ब्यूटेनामीन, ठीक है। आगे देखिए, कभी कभी क्या होता है ये एनएच बीच में आता, मतलब ऐसे लिखा होता है, देखिए यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सी एच टू और यहाँ पर हो गया सी एच थ्री, अब इसका नाम आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। अब देखिए ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, क्योंकि इधर तो कार्बन कम है, अब ये देखिए ये क्या किया, ये यहाँ पर देखिए ये यन कितना बंद बनाया है, एक दो और तीसरा नहीं बनाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, आप बात समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए कार्बन परमाणु की तो द्वितीय लाइन है, कार्बन परमाणु तो द्वितीय है, तो इनके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एथेन, क्या लिखना पड़ेगा, एथेन। अब देखिए ये कौन है, मेथिल है, ये मेथिल कहाँ लिखा था, पहले की बाद में, पूर्व लग्न की अनुलग्न, तो इसका पूर्व लग्न लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेथिल, क्या हो जाएगा, मेथिल, इसका पूर्व लग्न। और ये कितने कार्बन नंबर से जुड़ा है, तो नंबर यहाँ पे तो नहीं है, नंबर वा तो हेड है, ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल यन है, तो ध्यान रखिएगा कि ई वाला यन यहाँ लिखा जाएगा, मतलब यन मेथिल, यन मेथिल, मतलब ये किससे जुड़ा है, यन से जुड़ा है, ये मेथिल किससे जुड़ा है, यन से जुड़ा है। अब देखिए यन मेथिल हो गया ना, अब इस पूरे को क्या कहते हैं, ये पूरा किसके जगह पे है, NH2 की जगह पे है, NH2 की जगह पे है ना पूरा, तो इसके लिए क्या जोड़ते हैं अंत में, एमीन, क्या जोड़ेंगे, एमीन, ठीक है। और ये एमीन, एमीन कितने नंबर से, एक नंबर से, तो यहाँ पे कर सकते हैं वन एमीन, ठीक है, वन एमीन, अगर वन लगाने का मन करे तो लगाइए, नहीं तो छिपा होता है, वन छिपा होता है, ठीक है, ये हो गया पूरा नाम, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ दीजिए इसको, इसी तरह से मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एमाइड, एमाइड में क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान होता है, ठीक है, एमाइड का ध्यान रखिएगा कि इसमें आता है सी ओ एन एच टू समूह। अब देखिए ये थोड़ा सा चोर वाला समूह होता है, मतलब चोट्टा समूह कह सकते हैं इसे, चोट्टा समूह, चोट्टा समूह का है। देखिए एन एच टू कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है, यहाँ देखिए सी ओ कहीं दिख रहा है आपको, सी ओ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्या होता है कि ये सी ओ के साथ होता है, जब सी ओ के साथ आ जाएगा ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, एमाइड कहेंगे, एमाइड, मतलब एमाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अनुलग्न ना एमाइड ही होता है, मतलब जहां पर ये आएगा वहां पर एमाइड अंत में लगाएंगे, अंत में। तो सबसे पहले ये समूह है, इसकी पहचान किसकी, एमाइड की, एमाइड जहां भी आएगा वहां पे सी ओ एन एच टू जुड़ा रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले ये किससे जुड़ेगा, ये किससे जुड़ेगा, एच से, एच से जुड़ेगा, मान लीजिए एच से जुड़ा, और यही पहला समूह, पहला उदाहरण है किसका, एमाइड समूह का। इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, अब देखिए इसका आईपीएसी नाम लिखना ना, तो क्या कार्बन है, एक कार्बन, बहुत आसान है, एक कार्बन, तो मेथ, एक हका बंद है, तो एन मेथेन हो गया, और ये जुड़ा है पूरा, इसके लिए अंत में जोड़ देंगे एमाइड, तो हो जाएगा मेथेन एमाइड, ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है कि नहीं है। अब देखिए इसी को इस तरह लिख सकता है, एक दो, और यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे कर दिया एन, और यहाँ पे कर दिया एच, यहाँ पे कर दिया एच, ये देखिए आपको हड़का रहा है, हड़का रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या समझना है कि ये है पूरा सी ओ एन एच टू, ठीक है। अब ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ पर सी एच टू हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ पे एच टू हो गया, यहाँ सी एच थ्री हो गया, तीन कार्बन से जुड़ा है, नाम क्या हो जाएगा, देखिए प्रोपेने, प्रोपेन, प्रोपेन और एमाइड, एमाइड, प्रोपेने माइड, इक्का नंबर पे जुड़ा है पूरा, एक नंबर पे है, दो नंबर है, तीन नंबर है, चार नंबर, क्या हो गया, प्रोपेन वन एमाइड, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है कि नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए इस तरह से हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया, सीधे सीधे ऐसे दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ओ एच हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे सी एल हो गया, बहुत जबरदस्त यौगिक है ये, ठीक है, अगर ये आप नाम लिख लेते हैं ना, तो समझिए आपको पूरी तरह से आईवीएससी आ गई है, ठीक है, समझ में। चलिए अब देखिए ये हो गया आपका सी ओ एन एच टू, ये हो गया एक नंबर कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, बिना कार्बन हाइड्रोजन लगाए आपको बताते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये समूह सबसे बड़ा है, मतलब प्रायोरिटी लेवल में सबसे ऊपर आता है, तो इसका हम लोग अनुलग्न लगा देंगे, इसका अनुलग्न हो भी नहीं करता, तो इसका आपको पूर्वलग्न ही लगाना है, और इसका अनुलग्न पूर्वलग्न दोनों होता है, अनुलग्न आल होता है, पूर्वलग्न हाइड्रॉक्सी होता है, तो जब ये बड़का वाला समूह है यहाँ पे, तो बड़के वाले का अनुलग्न लगाएंगे, बाकी इनका पूर्वलग्न और इनका भी पूर्वलग्न लगाएंगे। पूर्वलग्न कहाँ लगता है, कार्बन परमाणु के नाम के पहले। कितने कार्बन यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, तो क्या हो गया, ब्यू टेन, मतलब एक हका बंद है ना, हाई देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा, तब वो अंत में इन लगाएंगे। यहाँ पे कार्बन तो है ना, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कहाँ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, इसलिए इन नहीं लगाएंगे, केवल एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक एक बंद है, तो अंत में क्या हो जाएगा, एन, ब्यूटेन हो गया।
अब देखिए इनका नाम अंत में लगाना है, ये एमाइड लगेगा अंत में, और वो भी कई नंबर पे, एक नंबर पे, तो हो गया वन एमाइड, ब्यूटेन वन एमाइड। अब इनका और इनका पूर्वलग्न लगाना है, ध्यान दीजिएगा इनका पूर्वलग्न सी से होता है, सी मतलब क्लोरो, क्लोरोसी से होता है, और इनका हाइड्रॉक्सी एच से होता है, हाइड्रॉक्सी ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा एच से शुरू है ये, है सी से शुरू, ए बी सी डी में पहले कौन आता है, सी आता है, तो सी का नाम पहले लिखेंगे, मतलब क्लोरो, क्लोरो पहले लिखाएगा, और क्लोरो का नंबर और पहले, मतलब ये क्लोरो के नंबर से जुड़ा है, दो नंबर से, तो दो क्लोरो हो गया, ठीक है। अब इसका लिखेंगे हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी के नंबर पे जुड़ा है, तीन नंबर, तो तीन नंबर लिख दीजिए और हाइड्रॉक्सी लिख दीजिए, मतलब तीसरे पर कौन है, हाइड्रॉक्सी है, हाइड्रॉक्सी कौन सा नाम है, पूर्वलग्न है, ठीक है, हो गया, हो गया पूरा नाम, फाइनल नाम हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, पूरा नाम क्या हो गया वो फिर से रिपीट कर दूं, टू क्लोरो थ्री हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन वन एमाइड, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे एक बात और अगर कोई पूछ दे कि बताइए ये कौन सी एमीन है, कौन सी एमीन है, तो बताइए इसमें से क्या हाइड्रोजन निकला है, अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3 था, उसमें से क्या हाइड्रोजन यहाँ पे निकला दिख रहा है, खाली एक का है ना, दूठ निकल गया ना, तब द्वितीय एमीन हो गई, क्या हो गई, सेकेंडरी एमीन। यहाँ पर देखिए कौन सी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है, क्यों, क्योंकि अमोनिया में तीन हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन निकला, दो हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है, खाली एक हाइड्रोजन से ये सब जुड़े थे, ये हो गए प्राथमिक एमीन, ठीक है, बात समझ में आ गई। एमीन कितने तरह की होगी, तीन तरह की होगी, कौन कौन, प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन, आपको नाम लिखना आ गया, ठीक है, एमाइड का भी आपको नाम लिखने आ गया। चलते हैं एसिड हैलाइड की तरफ, इसको अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं, और हैलो यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलो यौगिक बहुत पूछा जाता है आपसे पेपर में, तो उनकी तरफ धीरे धीरे चलेंगे। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक दो तीन चार पांच कार्बन परमाणु है, ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, आई, ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH, यहाँ पर क्या जुड़ गया, Cl, या मान लीजिए Br जुड़ गया, ठीक है, समझ कर, यहाँ पर क्या जुड़ गया, CH3, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, देखिए H, यहाँ पर क्या हो गया, H, यहाँ पर क्या हो गया, H केवल, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, H, और इधर भी हो गया H, और इधर भी हो गया H, ऐसे दे दिया आपको, तो आपको बहुत कठिन लग रहा होगा ये, ठीक है, बहुत सिंपल है, जबकि देखिए आपको क्या करना है, इस पूरे यौगिक का IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। अब इसी में आपको कार्बन परमाणु की खुजाई भी करना है, क्रियात्मक समूहों की दिखाई भी करना है, दिखाई करना है क्रियात्मक समूहों का, यही बोला हूं और कुछ नहीं बोला हूं, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, काउंटिंग भी करना है, मतलब नंबरिंग करना है कार्बन परमाणु की, उसके बाद नाम भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं खुजाई और क्रियात्मक समूहों की दिखाई और कार्बन की गिनाई और उसके बाद नाम लिखाई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको कार्बन ये मिल रहा है, कार्बन परमाणु की लंबी चेन आपको ये मिल रही है, ठीक है। चलिए कितने कार्बन मिल गए आपको, एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन, ठीक है। चलिए अब देख लिए कार्बन परमाणु, देख लिए, अब करेंगे क्या, क्रियात्मक समूह को देखेंगे, तो एक क्रियात्मक समूह, दूसरा क्रियात्मक समूह, तीसरा क्रियात्मक समूह, और ये चौथा, ये नहीं नहीं ये चौथा नहीं, ठीक है, बस तीन हो गए, तीन क्रियात्मक समूह हो गए। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग उधर से करना है कार्बन परमाणुओं की, जिधर से क्रियात्मक समूह जल्दी मिले। तो कौन क्रियात्मक समूह, इधर से देखिए एक दो कार्बन है, तीसरे कार्बन पर ये क्रियात्मक समूह मिल रहा है, और इधर से एक दो दूसरे पे ये मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक केस और बताएंगे, जब दोनों ओर से सेम रहेगा, ठीक है, क्रियात्मक समूह सेम पर आएगा। देखिए एक दो, इधर से दूसरे नंबर पर ये क्रियात्मक समूह आ रहा है, इधर से एक दो तीन तीसरे पर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक नंबर हो जाएगा, ये दो नंबर हो जाएगा, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, ये पाँच नंबर, ये छः नंबर कार्बन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका हमेशा पूर्वलग्न लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका अनुलग्न हो ही नहीं करता है। इसका पूर्वलग्न क्या होता है, ब्रोमो, बी से शुरू होता है, मतलब ये ध्यान रखिएगा इंग्लिश वाला वर्ड ब्रोमो, ठीक है। इसका दोनों होता है, अनुलग्न पूर्वलग्न दोनों होता है। इसका क्या होता है, केवल पूर्वलग्न होता है, मतलब पूर्वलग्न क्या लगता है, आयडो, आई से आयडो। और इसका अनुलग्न पूर्वलग्न दोनों होता है, जब इसका पूर्वलग्न अनुलग्न दोनों होता है तो इसका हम लोग क्या लगाएंगे, अनुलग्न, क्यों, क्योंकि इन दोनों का पूर्वलग्न लग जा रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग अनुलग्न लगा देंगे, ठीक है, बात को समझिए। अब देखिए क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, कितने कार्बन हो गए, छः कार्बन, छः कार्बन मतलब हेक्स, एक एक बंद है तो एन, हेक्सेन हो गया, ठीक है। अब देखिए अनुलग्न किसका लगाएंगे, इसका, OH का, एक के नंबर पर तीन नंबर, तो पहले तीन नंबर लिख दीजिए। अब लिख दीजिए इसका अनुलग्न क्या होता है, आल, हेक्सेन थ्री आल हो गया, ठीक है, हेक्सेन थ्री आल हो गया। अब इसको लिखेंगे पहले कि इसको बी आएगा कि आई आएगा, अल्फाबेट सीरीज में बी आएगा, बी के नंबर पर है दो नंबर, तो लिख देंगे दो ब्रोमो, दो ब्रोमो। अब ये आयडो लिखेंगे, आयडो के नंबर पर चार पर, तो चार आयडो, ठीक है, चार आयडो हो गया, ये हो गया पूरा नाम दोस्तों, ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह का यौगिक आ जाए, ठीक है, यहां पर हो जाए आई, और यहां पर हो जाए ब्रोमीन, और यहां पर हो जाए कौन, सीएल। अब आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए बवाले हो गया,
कि ये देखिए और ये देखिए, दोनों इधर से एक दो दूसरे पर आ गया, इधर से एक दो दूसरे पर आ गया, ठीक है। अब इधर से चलेंगे तो पहले दूसरे, दूसरे पर ये आ गया, और इधर चलेंगे तो दूसरे पर ये आ गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको होती है, तो मैं आपको एक जा रहा हूँ ट्रिक बताने, एक ट्रिक आपको बताऊंगा, देखिए क्या है वो ट्रिक। देखिए, फिर कल बाहर आई थी कौन, आंटी। ये है हेलोजनों का वरीयता क्रम, मतलब सबसे ऊपर ये आता है, ठीक है, ये पहले आएगा, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। इसका इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। इसका कितना होता है, 17। इसका कितना होता है, 17। दोस्तों क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 पर। इसका कितना होता है, 35। इसका कितना होता है, 53। और इसका कितना होता है, 88, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये रेडियो एक्टिव होता है इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका 9 है, 9 किलो को मान लीजिए, ये है 17 किलो का, है 35 किलो का, है 53 किलो का, ठीक है। तो सबसे बुढ़ा कौन है, हाई है, आई, मतलब यही आपको देखना है, बुढ़ा मतलब बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, आई है कि सीएल है, ये आई है। तो ये जिधर से जल्दी पड़ेगा ना, गिनती उधर से करेंगे, मतलब एक दुई है, तीसरा कार्बन हो जाएगा, है चौथा कार्बन हो जाएगा, है पांचवा। इसको हम लोग टच नहीं किए, कहें कहें टच नहीं किए भाई, ये तो दोनों ओर से तीसरे पे आ रहा था, एक दो तीन तीसरे पर, एक दो तीन तीसरे पर आ रहा है, इसलिए उसको टच नहीं किए, लेकिन नाम सबका लिखाएगा। कितने कार्बन हो गए, पांच कार्बन, पांच कार्बन मतलब हो गया पेंट, और एक का बंद है तो एन हो गया, पेंटेन हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसका लिखेंगे, बी से ब्रोमो, सी से क्लोरो और आई से आई, तो मतलब ये बी का पहले लिखेंगे, मतलब तीन ब्रोमो हो गया। अब देखिए सी का लिखेंगे, चार पर क्या है, क्लोरो, चार पर क्या है, क्लोरो। अब देखिए दो पर क्या है, आयडो, लिखेंगे दो आयडो, क्या लिखेंगे, आयडो, ठीक है। अब पेंटेन हो गया ये पूरा आई बेस से नाम। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको एमीन, एमाइड, एसिड हैलाइड तथा हैलो यौगिकों के उदाहरण और उनका आई बेस से नाम लिखना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर इस तरह के यौगिकों का नाम और भी लिखना है तो आज के पहले वाले वीडियो आप देखिए, लगभग धीरे धीरे सारे क्रियात्मक समूह को लगाकर हम लोग उनके उदाहरण और आईपीएससी नाम लिखना सीख लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखें तो पहले की वीडियो को देखिएगा जरूर, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा अगर आपको बाद की वीडियो पाना है तब, ठीक है, मतलब इसके बाद आने वाले वीडियो अगर आपको पाना है तो आपको नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है, अगली टॉपिक के साथ। तो तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।